हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ बेल के बटन पर क्लिक करें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के लगातार कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, सर क्या इस बार फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा और बैक पेपर फॉर्म को कौन स्टूडेंट भर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी स्टूडेंट के नंबर कम हैं वो आसानी से बैक पेपर डाल सकते हैं। बैक पेपर आपको डालना चाहिए कि स्क्रूटनी डालना चाहिए, इस पर एक विस्तृत वीडियो और आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी में आपका बैक पेपर कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए अगर आपके नंबर किसी में आप फेल हो गए हैं या किसी में आपके नंबर कम है तो आप आसानी से उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके टर्म एंड कंडीशन आपको बहुत जल्द ही प्राप्त करा दिए जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो लगातार स्टूडेंट लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या इस बार बैक पेपर के फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजों में जब स्टूडेंट विजिट कर रहा है तो स्टूडेंट से यही कहा जा रहा है कि बैक पेपर नहीं आएंगे, ऐसे ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है, बैक पेपर नहीं आएंगे। तो आखिर में सही बात क्या है, स्टूडेंट में डाउट क्यों बना हुआ है? तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि हर एक साल कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा बैक पेपर के फॉर्म निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं कि बैक पेपर के फॉर्म कब निकाले जाते हैं, कब एग्ज़ाम होता है और कब रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी होने के विद इन 30 डेज के अंतर्गत ही, यानी एक महीना के अंतर्गत ही आपका बैक पेपर का नोटिफिकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने लगता है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के विद इन 20 से 25 दिनों के अंतर्गत ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है आपके ज़िले के एक दो सेंटरों पर। इससे ज़्यादा सेंटर नहीं बनाए जाते हैं, संख्या के आधार पर इससे ज़्यादा सेंटर कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। और उसके बाद जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसके लगभग 25 से 30 दिन के अंतर्गत ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा, किसी भी अफवाहों के चक्कर में मत पड़िएगा कि आपका बैक पेपर का फॉर्म नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है, हर एक साल कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बैक पेपर का फॉर्म निकाला जाता है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके कम नंबर लग रहे हैं, पहले तो थोड़ा वेट करिएगा। कानपुर यूनिवर्सिटी विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये अपडेट प्राप्त हो रहा है कि स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो दोबारा से पब्लिश होगा, अपडेट किया जाएगा। लेकिन कन्फर्म रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन बना के रखिएगा। अगर बाय द चांस 1-2% अगर अपडेट नहीं होता है 1-2%, तो आप अपना प्रिपरेशन जरूर बना के रखिएगा। बैक पेपर के फॉर्म हर एक साल आते हैं, अदरवाइज आप लगभग 4-5 दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2021 में भी स्टूडेंट का ऐसा रिजल्ट खराब रिजल्ट आया था जिनमें कि लगभग 10 से 12 दिन बाद आसानी से स्टूडेंट का अपडेट कर दिया गया था, जिसमें कि बहुत अच्छे अंक स्टूडेंट को प्रोवाइड किए गए थे। तो इसके बारे में अपने मन में कोई भी अफवाह मत रखिएगा। हर एक साल कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बैक पेपर के फॉर्म निकाले जाते हैं और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं तो लगभग फ़ीस 550 से लगभग 650 रुपये तक लगभग फ़ीस रखी जाती है। और जो स्टूडेंट लगातार कमेंट्स करें कि सर क्या हर एक पेपर में दे सकते हैं, कितने पेपर में दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर केवल एक पेपर में आप बैक पेपर दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं, एक सिंगल पेपर में आप बैक पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी नया रूल एंड रेगुलेशन निकालती है कि आप ज़्यादा दे सकते हैं तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अदरवाइज अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है तब तक के जितने भी टर्म एंड कंडीशन है आप किसी सब्जेक्ट के एक पेपर में बैक पेपर आसानी से डाल सकते हैं।